दृष्टि पीसीएस के पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तायडे और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आशा वर्कर्स की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में WHO ने भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका को काफी अहम बताया है। चलिए जानते हैं कि आशा क्या है। इसका पूरा नाम एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 के अंतर्गत की गई थी। इसके उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण आबादी विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NHRM द्वारा देश के प्रत्येक गाँव में एक प्रशिक्षित महिला आशा कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। चलिए जानते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं के उत्तरदायित्व क्या होते हैं। ये समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करती हैं। ये अपने गांव में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए ज्ञान और एक दवा किट के साथ सशक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी का स्रोत होती है। ये सार्वभौमिक टीकाकरण को बढ़ावा देने, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य यानी RCH और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए रेफरल और एस्कॉर्ट सेवाओं और घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए प्रदर्शन के बारे में लोगों को जागरूक करती हैं। चलिए जानते हैं कि आशा कार्यकर्ता किस तरह के काम करती हैं। इसका प्रमुख कार्य सामान्य संक्रमण की रोकथाम के बारे में जानकारी देना है, जैसे बच्चे के जन्म के समय प्रसव पूर्व तैयारी, स्तनपान और पूरक आहार, गर्भ निरोधक और प्रजनन पथ के संक्रमण, यौन संचरित संक्रमण, सुरक्षित प्रसव का महत्व और छोटे बच्चे की देखभाल। इसके अलावा ये सभी बस्तियों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए दवाओं का वितरण करने जैसी भी कार्य करती हैं, जैसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या ORS, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट यानी IFA और क्लोरोक्वीन, टीकाकरण, डिस्पोजल डिलीवरी किट यानी DDK आदि का भी वितरण करती हैं। ये समुदाय को संगठित कर उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ प्रदान कराती हैं। चलिए अब नजर डाल लेते हैं NHM पर भी। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन है। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। इसका उद्देश्य न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। इसके दो प्रमुख उपमिशन हैं। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM और दूसरा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन या NUHM। इसके मुख्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ीकरण करना, प्रजनन, मातृ, बाल और किशोर स्वास्थ्य एवं संचारी और गैर संचारी रोग शामिल हैं। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। आशा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी सहकारिता मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए दिन में नए एपिसोड और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।